बागपत पहुंचे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नरेंद्र कश्यप ने अपनी सरकार की बेहतर कानून व्यवस्था को उपलब्धि के तौर पर रखते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सही करने वालों को छेड़ा नहीं और गलत करने वालों को छोड़ा नहीं। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, आजम खां कहां जाएंगे, वो जाने, भाजपा पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार हमेशा किसानों से जुड़ी रहेगी और उनके लिए कार्य करती रहेगी। महिला सुरक्षा पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा। सपा पर हमला बोलते हुए कहा, अखिलेश यादव की सरकार में दंगे, किसान मजदूरों पर अत्याचार और बिजली कटौती की मार आमजन झेल रही थी। बताओ कुछ खास प्रोग्राम। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की तरफ से कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, पदाधिकारियों ने मेरे मंत्री बनने की खुशी में स्वागत का आयोजन रखा है। अच्छी संख्या में लोगों ने आकर सम्मान स्वागत किया है। मैं सबका आभारी हूं और जो विभाग मुझे दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 400 से पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दोनों विभागों का पूरा लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिले, बागपत जिले के लोगों को मिले। मैंने अपने संकल्प को दोहराया है। उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने जिस गति के साथ सर्वांगीण विकास का खाका खींचकर प्रदेश को विकास की गति में आगे ले जाया गया है, उसी का प्रतिफल है कि पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम लोगों का संकल्प है कि इस 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश की स्थिति में लाके खड़ा करेंगे। जन समस्याएं हों, जन विकास की बातें हों, उस सब पे मिलके काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो प्रदेश की जनता ने ये 5 साल का दायित्व हमें सौंपा है, इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विभाग और प्रत्येक हमारे मंत्री, प्रत्येक हमारा लीडर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश की जन आकांक्षाओं पर पूरा उतरने का काम करेगा। मंत्री जी, लगातार कांग्रेस है और आजम खां को पोस्टर लगाकर अपनी पार्टी में बनाना चाह रही है और समाजवादी पार्टी में इसकी कुछ वैल्यू खत्म होगी, इसके बारे में आपके क्या कहना है? आजम खां कौन सी पार्टी में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी किसको अपनी पार्टी में लेगी, ये उनका राजनीतिक अपना मसला हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता में एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब कोई किसी को पार्टी में ले अथवा ना ले, कोई किसी के साथ अलायंस करे अथवा ना करे, उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अपने नेतृत्व के रूप में स्वीकार लिया है, जिसका प्रतिफल है कि 2022 के असेंबली के चुनाव में भी प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया है। इसलिए आजम खां के कांग्रेस में जाने से या कहीं जाने से अब के प्रदेश के अंदर फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगातार समाजवादी पार्टी है और भाजपा पर प्रेशर कर रही है, कह रही है इस बार विफल हुए हैं बिजली कटौती के लिए, क्या क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी को या समाजवादी पार्टी को अपने समय काल को याद करना चाहिए। 2012 से 2017 के मध्य उत्तर प्रदेश के लोगों ने बिजली की कटौती को झेला है। एटा, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़ के अलावा बिजली कहीं मिलती नहीं थी। हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में